नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास आप लोगों के लिए ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे, सभी आपके SSC पैटर्न के रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमने मोस्टली ज़्यादातर आपकी कवर करने की कोशिश की है शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि आपको पता है 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है, तो कम से कम आपके 2 या 3 नंबर शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें हमने लगभग आपके शॉर्ट फॉर्म कवर की हैं, ठीक है। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म से नहीं रहने वाला है, ठीक है। और साथ के साथ प्रश्न लगाएंगे और अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने किस प्रकार। साथियों, क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने लगाने की कोशिश कीजिए। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग होता है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड्स और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए होम, बी टाइटल, सी मेनू या डी टूल बार। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर लगाने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो जिन्होंने यहाँ पर डी पर टिक किया, बिल्कुल राइट है, टूल बार, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है डी के साथ, टूल बार। कमांड्स और टूल तक पहुँच आसान कौन बनाता है, टूल बार बनाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी ने सही आंसर लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, अलाइनमेंट बटन किस पर होता है, ठीक है। अलाइनमेंट बटन किस पर होता है, चार ऑप्शन है, ए स्टेटस बार, बी फॉर्मेटिंग टूल बार, सी स्टैंडर्ड टूल बार या डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहां पर बी पर टिक किया, बिल्कुल राइट है। अलाइनमेंट बटन किस पर होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार पर, ठीक है। अलाइनमेंट बटन किस पर होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार पर। और जो अलाइनमेंट बटन है वो कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के, राइट, लेफ्ट, मीडियम और जस्टिफाइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टेप छुपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टेप छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट लगाने की कोशिश कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला सी के साथ, ठीक है, विंडोज प्लस डी। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका विंडोज प्लस डी। और मेरे प्यारे साथियों, ये सभी जो प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, इनकी PDF आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, ठीक है, जिस नाम से YouTube चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आप लोगों को सभी प्रकार की PDF मिल जाएंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, रीडू निम्नलिखित द्वारा क्या जाता है, ठीक है। रीडू निम्नलिखित द्वारा क्या जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट लगाने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहां पर बी पर टिक किया, बिल्कुल राइट है, कंट्रोल प्लस वाई से क्या होगा, रीडू होगी आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है, ठीक है। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड दी जाती, पांच ऑप्शन आपके सामने दिए गए, राइट लगाने की कोशिश कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है ए के साथ, ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। ये याद रखेंगे, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अपने एग्जाम में इसी में से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, ठीक है। ठीक है, काफी बार आपको रिबूट के स्थान पर लिखा मिलेगा रिस्टार्ट, तो भी हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है, फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट लगाने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर डी पर टिक किया, बिल्कुल राइट है, कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ क्या है, किसी भी फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों, चार ऑप्शन दिए गए, राइट लगाने कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर एक नंबर पर टिक किया, बिल्कुल राइट, अल्ट प्लस टेब, ठीक है, राइट आंसर जाने वाला है अल्ट प्लस टेब, ठीक है। ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, विंडोज के बीच में शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
चल निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे चार ये शॉर्टकट की दी गई हैं, ठीक है, और इनके सामने इनके कार्य दिए गए हैं, तो आपको इनका सही मिलान करना है। तो मेरे प्यारे साथियों लगाने कोशिश कीजिए। जैसे हमारा ए ऑप्शन देखिए कंट्रोल प्लस बी, तो कंट्रोल प्लस बी किसकी शॉर्ट फॉर्म है? आपका तीन नंबर, यानी कि मैक टेस्ट बोल्ड, ठीक है, बी से मतलब बोल्ड होगा आपका, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। उसके बाद आपका बी ऑप्शन देखिए कंट्रोल प्लस यू, यू का मतलब होता है अंडरलाइन, ठीक है, यानी कि चार नंबर। कंट्रोल प्लस पी, पी मतलब प्रिंट, किस में है आपका? दो नंबर। और शिफ्ट प्लस एफ थ्री, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म आपकी? चेंज केस ऑफ लेटर, ठीक है। तो इसका क्रम रहने वाला है आपका सबसे पहले तीन नंबर, ठीक है, उसके बाद आपका चार नंबर, उसके बाद दो नंबर और लास्ट एक नंबर, ठीक है। ये किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग? सी। तो सी क्या रहेगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट आंसर जाने वाला है, ठीक है। कंट्रोल बी का मतलब समझ पा रहे हैं? मेक टेक्स्ट टू बोल्ड, यानी किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है। कंट्रोल यू का मतलब अंडरलाइन लगाना उस पर, ठीक है। कंट्रोल पी मतलब प्रिंट निकालना, और शिफ्ट प्लस एफ थ्री चेंज केस ऑफ लेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, काफी बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, ठीक है, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइट लगाने कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर बी पर टिक किया, बिल्कुल राइट है, कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस सी। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। प्रिंट मेनू प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? प्रिंट मेनू प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट लगाने कोशिश कीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर जानने वाला है डी के साथ, कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर है कंट्रोल प्लस पी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी है? क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, राइट लगाने कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर बी पर टिक किया, बिल्कुल राइट है, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी क्या है? किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, आप इन्हें हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए डैश प्रेस करें फिर इंटर प्रेस करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो सबसे पहले किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे हम, और उसके बाद एंटर की का प्रयोग करेंगे, तो शॉर्टकट की हमें बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों चार ऑप्शन दिए गए, राइट लगाने कोशिश कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है बी के साथ, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। जब हम विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होगा? जब हम विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन फाइल बंद हो जाएगी, बी विंडोज अनुप्रयोग बंद हो जाएगा यानी कि एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, सी फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, या डी इंटरनेट ब्राउजर खुल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, यानी कि जब हम विंडोज प्लस ई की को दबाएंगे तो हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, ठीक है। क्या खुल जाएगा? फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट लगाने कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर सी पर टिक किया, बिल्कुल राइट है, कंट्रोल प्लस के, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला सी के साथ। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, ठीक है। अभी इससे पिछला प्रश्न हमने देखा है, कंट्रोल प्लस के का प्रयोग हम किस के लिए करते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन फिलहाल सक्रिय कार्यक्रम को बंद करने, बी स्टार्ट मेन्यू को खोलने, सी चुने गए पाठ यानी कि टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने, या डी नए प्रोग्राम को खोलने। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किया जाता है चुने गए पाठ या टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस के किसकी शॉर्ट फॉर्म है? हाइपरलिंक डालने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है?
विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइट लगाने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर बी पर टिक किया बिल्कुल राइट है, एंटर की, ठीक है, यानी कि एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन यानी कि की चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ यानी कि हेल्प पेज को खोलता है, ठीक है, यानी कि नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जो आपको हेल्प पेज पर पहुंचाती है? तो मेरे प्यारे साथियों चार ऑप्शन दिए गए, राइट लगाने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला ए के साथ, F1, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, विंडोज 7 में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या आरंभ होता है? ठीक है, विंडोज 7 में कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या आरंभ होता है? ए ऑप्शन नियंत्रण कक्ष, बी कार्य प्रबंधक, सी माई कंप्यूटर या डी विंडोज एक्सप्लोरर। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर लगाने कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर बी पर टिक किया बिल्कुल राइट है, कार्य प्रबंधक यानी कि टास्क मैनेजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, स्कैनर का कौन सा एक प्रकार नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन फ्लैट बेड, बी सीट फीड, ठीक है, सी आपका हैंडहेल्ड या डी ड्रम। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला डी के साथ, ड्रम, ठीक है। ड्रम क्या है? स्कैनर का भाग नहीं है, जबकि आप ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में जो देख पा रही है सभी क्या है, आपके स्कैनर के भाग हैं, ठीक है। जबकि जो डी में आप देख पा रहे हैं ड्रम स्कैनर का भाग नहीं है, किसका है? ये प्रिंटर का भाग है, ठीक है, किसका भाग है? ये प्रिंटर का भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा एक एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वेद एक्सटेंशन नहीं है? इसका मतलब सिंपल सा है मेरे प्यारे साथियों, जब हम एमएस ऑफिस में कोई फाइल सेव करते हैं तो किस एक्सटेंशन के साथ सेव नहीं होती है? तो चार ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन आपके सामने है .docx, बी है .pot, सी .xlsm या डी आपके सामने .pptl। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है डी के साथ, ठीक है, .pptl, ठीक है, ये एक एक्सटेंशन नहीं है। अगर एमएस ऑफिस में आप क्या करेंगे, किसी फाइल को सेव करेंगे तो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होगी फाइल? इन तीनों में, यानी कि ए ऑप्शन भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है, जबकि डी क्या है इसका बिल्कुल गलत रहने वाला है। तो प्रश्न हमारा पूछा गया है इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वेद एक्सटेंशन नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका? डी .pptl, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। ओरिएंटेशन जो पावर पॉइंट द्वारा समर्थित नहीं है, ठीक है, ओरिएंटेशन जो पावर पॉइंट द्वारा समर्थित नहीं है, ए ऑप्शन लैंडस्केप, बी पोर्ट्रेट या सी आपका कैनवास या डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर सी पर टिक किया बिल्कुल राइट है, कैनवास, ठीक है। ओरिएंटेशन जो पावर पॉइंट द्वारा समर्थित नहीं है, क्या? कैनवास, बाकी सभी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निर्देशों का एक समूह कहलाता है, ए ऑप्शन स्क्रिप्ट, बी एक्सटेंशन, सी फ्लोचार्ट या डी प्रोग्राम। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर डी पर टिक किया बिल्कुल राइट है, प्रोग्राम, ठीक है। निर्देशों का एक समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? ठीक है, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ए ऑप्शन FTP, बी SMTP, सी TCP या IP और डी आपका HTTP। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर एक नंबर पर टिक किया बिल्कुल राइट, FTP, ठीक है। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है किसका? ए ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर या डी हार्डवेयर। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एक प्रकार है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है, एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है। ए ऑप्शन अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, बी
एक ही बार में संपूर्ण प्रोग्राम, सी एक समय में एक लाइन, या डी एक समय में एक मॉड्यूल। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ। ठीक है, सी बिल्कुल राइट है, एक समय में एक लाइन। ठीक है, एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद किस प्रकार से होता है, एक समय में एक लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। डैश के बिना प्रणाली यानी कि सिस्टम संचालित नहीं हो सकता, यानी कि किसके बिना जो आपका सिस्टम है वो संचालित नहीं हो सकता है। चार ऑप्शन है, ए मदरबोर्ड, बी कुंजीपटल यानी कि कीबोर्ड, सी स्पीकर्स, या डी माउस। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका एक नंबर। ठीक है, यानी कि मदरबोर्ड। भाई बिना मदरबोर्ड के कोई भी सिस्टम आपका संचालित हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे उसमें कीबोर्ड ना हो, स्पीकर ना हो, माउस ना हो, तब भी क्या है आपका कंप्यूटर संचालित हो सकता है। ठीक है, कोई भी सिस्टम संचालित हो सकता है, अगर उसके अंदर मदरबोर्ड ही नहीं है तो वो सिस्टम कभी चल ही नहीं सकता आपका। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका ए मदरबोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। अस्थिर मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, चार ऑप्शन, ए फ्लैश ड्राइव, बी मैग्नेटिक टेप, सी रैम, या डी हार्ड डिस्क। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है आपका सी रैम। ठीक है, अस्थिर मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW किसके द्वारा बनाया गया, ए ऑप्शन सर्गेई ब्रिन, बी टिम बर्नर्स-ली, सी स्टीव वोजिनिक, या डी लैरी पेज। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका बी टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अगर डेट पूछी जाए तो 1989। ठीक है, हालांकि डेट इसमें पूछते नहीं आप लोगों को, फिर भी याद रख लेंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा बनाया गया, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ठीक है, कब, 1989। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन क्या होगी। विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन क्या होगी, ए ऑप्शन आउटलुक, बी एक्सेल, सी वर्ड, या डी पावर पॉइंट। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है बी के साथ, एक्सेल। ठीक है, विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन कौन सी होगी, एक्सेल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। निम्न GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, काफी बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्न उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सहायता कौन देता है। चार ऑप्शन है, ए कीबोर्ड, बी टचपैड, सी सभी, या डी माउस। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका सी। ठीक है, सभी विकल्प मतलब ए यानी कीबोर्ड भी, टचपैड भी, माउस भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, पावर पॉइंट में हेल्प खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, पावर पॉइंट में हेल्प मेनू खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, राइट लगाने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, F1। ठीक है, F1 क्या है, हेल्प मेनू को खोलने के लिए प्रयोग में की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम हैंग का कारण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम हैंग का कारण नहीं है, ए ऑप्शन वायरस का पूर्व ज्ञान, बी इनमें से कोई भी नहीं, सी अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति, या डी क्रैप्टेड फाइल का निष्पादन। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका सी। ठीक है, अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति। इसने कहा भाई निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम हैंग का कारण नहीं है, तो कौन नहीं है हैंग का कारण, अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति। ठीक है, इससे हैंग होने का कोई खतरा नहीं है, तो कारण कौन नहीं है इसका, सी नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। ASCII का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है, तीन ऑप्शन दिए गए, राइट लगाने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर सी पर टिक किया, बिल्कुल राइट है। ठीक है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यानी PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, चार ऑप्शन दिए गए, राइट लगाने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका ए। ठीक है, PGA की फुल फॉर्म क्या है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ठीक है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। चलिए नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। अधिकांश कीबोर्डों का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? ठीक है, अधिकांश कीबोर्डों का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? चार ऑप्शन दिए गए, राइट लगाने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने यहाँ पर बी पर टिक किया, बिल्कुल राइट, क्वेरिटी। ठीक है, अधिकांश कीबोर्डों का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है आपका? QWERTY, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस भुगतान का लाभ नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस भुगतान का लाभ नहीं है? ए ऑप्शन डिजिटल उपकरणों के स्वतंत्र, बी सभी विकल्प, सी सहूलियत, डी अधिक सुरक्षित। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, कैशलेस भुगतान का लाभ इनमें से कौन सा नहीं है? तो जिन्होंने यहाँ पर एक पर टिक किया, बिल्कुल राइट है। ठीक है, डिजिटल उपकरणों के स्वतंत्र, बाकी सभी ठीक हैं, क्योंकि कैशलेस भुगतान के लिए सहूलियत भी हमें मिलती है और अधिक सुरक्षित भी है। तो इसका मतलब कौन सा नहीं है हमारे लिए? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डिजिटल उपकरणों के स्वतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ए ऑप्शन स्कैनर, बी प्रिंटर, सी माउस या डी वेब कैम। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, आउटपुट डिवाइस कौन सा है निम्न में से? तो जिन्होंने यहाँ पर बी पर टिक किया, बिल्कुल राइट है, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस है। बाकी आपके ए ऑप्शन डी, ये सभी क्या है आपके? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका बी, प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? ए टूल यानी कि साधन, बी मैप यानी कि मानचित्र, सी लोगो या डी आइकन या प्रतीक। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा आपका डी। ठीक है, आइकन यानी कि प्रतीक। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा हुआ है। टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड, नोड मतलब कंप्यूटर आपका जो पीसी होता है उसे नोड कहते हैं आपका। ठीक है, नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए बस, बी मेस, सी रिंग या डी स्टार। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आपके नोड इस प्रकार से रखे होंगे। ठीक है, और नज़दीक की जैसे इस प्रकार से आपके क्या होंगे? एक दूसरे से पड़ोसी के साथ टच होंगे, तो उस कंडीशन को टोपोलॉजी में क्या कहेंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला सी के साथ, रिंग। ठीक है, क्या ऑप्शन राइट है? रिंग बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो उम्मीद, ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों, इसमें हमने सभी शॉर्टकट की डाल दी हैं, जैसे देखिए आपकी इस प्रकार की आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, ये सभी शॉर्टकट की आपको हमने इसी पेपर में डाल दिए हैं, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर इसे आप ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को इसकी PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, सभी प्रकार के हमने इसके अंदर शॉर्टकट की डाल दी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास के सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं। अगर आज के प्रश्न आपको सभी समझ में आ चुके हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।